हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिनय और आप लोग देख रहे हो बिनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इंडियन ओवरसीज बैंक का फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में फॉर द मंथ ऑफ जून 2022। तो रिसेंटली आईओबी ने अपना फिक्स डिपॉजिट रेट जो है वो चेंज कर दिया है। तो क्या है नया इंटरेस्ट रेट और क्या इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है करंटली आईओबी अपने कस्टमर को, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा इंटरेस्ट रेट, उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। तो आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है और इधर आप लोग देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं इंटरेस्ट रेट प्लान्स का वेब पेज में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तीन ऑप्शन दिया गया होगा। तो यहाँ पे आप लोग को डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो FCNR रेट, RFC रेट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, डोमेस्टिक NRO डिपॉजिट एंड NRE डिपॉजिट। ठीक है, मैं पहले सेविंग बैंक डिपॉजिट के बारे में बताऊंगा, फिर मैं डोमेस्टिक NRO और NRE डिपॉजिट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को व्यू के ऊपर क्लिक करना है और हम लोग आ चुके हैं सेविंग बैंक डिपॉजिट का वेब पेज में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो सेविंग बैंक का डिपॉजिट रेट है ये इफेक्टिव है फ्रॉम 10 मार्च 2022 से ये इफेक्टिव है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मिनिमम बैलेंस। ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट डोमेस्टिक, अगर आप लोग बैलेंस अप टू 25 लाख रखते हो तो 2.75% यहाँ पे मिलने वाला है फॉर ऑल फैसिलिटी। ठीक है, लाइक बुक फैसिलिटी, चेकबुक फैसिलिटी, चेकबुक विदाउट चेकबुक फैसिलिटी, नो फ्रिल्स अकाउंट, ठीक है, जो भी है। फिर बैलेंस अबव 25 लाख अप टू 1 करोड़ 2.75% और बैलेंस अबव ₹1 crore 0.90%। ठीक है, तो ये था इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट के लिए। तो मैं अभी आप लोग को बताने जा रहा हूँ फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग को डोमेस्टिक NRO NRE डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है और हम लोग आ चुके हैं डोमेस्टिक रेट का वेब पेज में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिवीजन इन इंटरेस्ट रेट ऑन डोमेस्टिक NRO NRE रिटेल टर्म डिपॉजिट विद इफेक्टिव फ्रॉम 10/6/2022 से ही इफेक्टिव है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पीरियड ऑफ डिपॉजिट एग्जिस्टिंग रेट फॉर डिपॉजिट बिलो ₹2 crore और रिवाइज रेट फॉर डिपॉजिट बिलो ₹2 crore विथ इफेक्टिव फ्रॉम 10/6/2022 से ये इफेक्टिव है। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग रेट था, ये करंट रेट अभी चल रहा है। 7 से 14 डेज 3%, 15 से 29 डेज 3%, 30 से 45 डेज 3%, 46 से 60 डेज 3.75, 61 से 90 डेज 3.75, 91 से 120 डेज 4%, 121 से 179 डेज 4%, 180 से 269 डेज 4.50, 270 days to less than 1 year 4.50, 1 year to less than 2 year 5.40, except 444 days का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 444 days का जो है 5.20 जो पहले था और अभी जो चल रहा है 5.45, 2 year to less than 3 year 5.45, करेंटली चल रहा है 3 year एंड अबव 5.60। ठीक है, और मिनिमम अमाउंट जो है 1 लाख का होना चाहिए अगर आप लोग 7 से 14 डेज फिक्स डिपॉजिट ओपन करने जा रहे हो। ठीक है, और नीचे आप लोग देख सकते हो NRE टर्म डिपॉजिट का दिया गया है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे फॉर सीनियर सिटीजन 0.5% एक्स्ट्रा उन लोग को मिलता है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एडिशनल 0.75% जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट फॉर IOB टैक्स अवर डिपॉजिट विल बी 5.60 और क्लोजर चार्जेस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिटेल टर्म डिपॉजिट अप टू 15,000 कुछ भी चार्ज नहीं है। रिटेल टर्म डिपॉजिट ऑफ 15,000 टू 5 लाख 0.5%, रिटेल टर्म डिपॉजिट अबव 5 लाख बट बिलो 2 करोड़ 1%, बल्क डिपॉजिट ऑफ ₹2 crore एंड अबव 1% यहाँ पे इधर क्लोजर चार्जेस लगेगा। ठीक, तो ये था इंटरेस्ट रेट IOB का। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा, प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिना टेक। थैंक यू।